चेतावनी, रजाग्राफी की सभी रिपोर्ट्स तथ्य, खबरों और सबूतों पर आधारित होती हैं। हर रिपोर्ट के अंदर सबूत दिया जाता है। भारतीय संविधान के साथ साथ यूट्यूब के नियमों का भी पालन किया जाता है, इसलिए रजाग्राफी के खिलाफ चलाए जाने वाले किसी भी प्रोपेगेंडा में ना फंसे। सावधान रहें, समझदार बने। सलाम नमस्ते सत श्री अकाल, मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी। जेरूसलम यानी फिलिस्तीन और इजराइल से सबसे बड़े अपडेट्स आपको इस छोटी सी रिपोर्ट के अंदर देने वाला हूं। उम्मीद करता हूं इस रिपोर्ट को शेयर करेंगे और अपनी राय कमेंट में जरूर देंगे। दोस्तों बड़ी खबर ये है कि जेरूसलम में, मैं पहले भी छोटा सा अपडेट दे चुका हूं, जेरूसलम के जंगलों में, फिलिस्तीन के जंगलों और पहाड़ियों में बड़ी ही खतरनाक आग लगी हुई है। लगभग ये तीसरा दिन भी खत्म हो गया है और चौथा दिन शुरू हो चुका है। आग रुकने और थमने का नाम नहीं ले रही है। एयरक्राफ्ट के जरिए भी आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है लेकिन आग नहीं बुझ रही है। दोस्तों एक तो फिलिस्तीन के ऊपर लगातार होता हुआ जुल्म, ऊपर से फिलिस्तीन के जिन जिन इलाकों पर इसराइल का कब्जा है वहां पर भी ये आग लग गई है। फिलिस्तीनी जिस जगह बसे हुए हैं उन पहाड़ी इलाकों में भी ये आग पहुंच रही है। कुल मिला के नुकसान फिलिस्तीनियों का भी हो रहा है और इसराइलियों का भी हो ही रहा है। दोस्तों आग बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है। अब टेंशन वाली बात यह है कि फिलिस्तीनियों के पास इस आग से बचने के लिए इतनी ताकत नहीं है। हालांकि इसराइल के पास इन सब से बचने के लिए पूरी तैयारी है लेकिन नुकसान फिलिस्तीनियों का ज्यादा हो रहा है। दोस्तों खतरनाक आग बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और अब ये धुआं जो है, इस आग का धुआं मस्जिद अलक्सा के ऊपर भी देखा जा रहा है। मैं चाहता हूं पहले आप उन खतरनाक आग की कुछ झलकें देख लें ताकि आगे फिर बात कर सकें। توصل الجبال هذول طلع दोस्तों एक तरफ ये आग है, दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों पर जुल्म। जी हाँ दोस्तों, चार नौजवान बच्चों को जिनकी उम्र 17, 18, 19 और 20 साल है, उन चार नौजवानों को, कड़ियल जवान बच्चों को, बूढ़े माँ बाप की जवान औलाद को इजरायली पुलिस ने गोली मारकर कत्ल कर दिया है। जी हाँ, ये तस्वीर आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये वो चार नौजवान हैं जिनको कत्ल कर दिया गया है। दोस्तों कुल मिला के सौ की सीधी बात यह है कि इसराइल का फिलिस्तीन पर जुल्म जारी है, दूसरी तरफ जेरूसलम में आग है। इस पूरी रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट कीजिएगा। फिर से एक आपसे गुजारिश,
फिलिस्तीन के लोगों के लिए दुआ कीजिएगा। मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे थे रज़ा ग्राफी। जय हिंद।